पहले भी छेड़छाड़ की थी लेकिन इसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो जो मैंने कार्रवाई की थी उसकी वजह से समझौता कर लेने देते, कुछ जगह से उठा के ले जाए। और ये भी बोल रहा था कि हमने जो किया वो किया है, देखो जो लग रहा वो कर ले। कालू, अर्पित, गोलू और एक संजू पार्स, ये उनने मतलब वहाँ पे घर वर बांधा, हम रहते थे यहीं। भैया को मारा, इस वजह से हमने रिपोर्ट डाल दी, उसकी वजह से वो मेरी तरफ से बदला ले रहा है। गए थे लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं। क्या बोल रही है? उनकी तरफ से आमला में भी गए थे, हम बताते कुछ और वो लिखते कुछ। मैं उनको फंसाना चाहती हूँ। चौकी पे ले गए थे उनने, हाँ चौकी से मेरे साथ में उनने सबको बलात्कार किया, मारा और मेरे को बरसाली में ला के छोड़ा। रेलवे स्टेशन पे? रेलवे स्टेशन पे नहीं, जंगल में। हाँ रात में, एक बजे रात को मैं वहाँ से पैदल पैदल रेलवे स्टेशन आई है बैतूल। मेरे को नंबर मालूम थी मम्मी को, मम्मी को मैंने फोन लगा, मम्मी रेलवे स्टेशन आ, मम्मी मेरे को रेलवे स्टेशन में मिली, मम्मी आई है अभी से। पुलिस बोल रही है कि आमला जाओ, आमला से रिपोर्ट होंगी। वही नकवारी हमारे पास आ, ये चौकी है रेलवे चौकी, उधर जंगल है एक, उधर लेके गए। फोन किया आज सवेरे दूसरे के मोबाइल से, मतलब गाड़ी पर ले गए इसको और इधर कहीं चौकी की तरफ में ले गई बोले, ये बता रही। और उधर उनने मारा पीटी भी करी और गलत काम भी किया। हाँ, फिर क्या किया? और फिर बरसाली के जंगल में लाखों छोड़ दिए। फिर वहाँ से फोन किया तो फिर हम लोग आए सवेरे ये भी से, ये लड़का गाड़ी से अभी आया, फिर उठा को इसको यहाँ से ऑटो में डाल को लाए। गए थे यहाँ पे वो आजाद थाना में और महिला सेल में, तो वो बोले कि आमला में क्यों नहीं लिखे, तो आमला में अभी यहाँ पे मिली। अभी आमला में हमने वो 100 नंबर डायल किया था तो उसमें लिखा ही है कि भाई इसको उठा को ले गए फलाइन तारीख को। सब उनके तरह से, वो बीजेपी के नेता है और सब नेता लोग भी उनको साथ दे रहे हैं। कम से कम 4-5 बार हो गई ऐसे मारा पीटी कर रहा पूरे घर वाले का। ये इसको टाका भी लगे सिर में, इतना मारा पूरा भी और नहीं मिटी है, हर एक कच कर दिए सब पूरे। नहीं, मेरे समक्ष तो ऐसा कोई केस आया नहीं है। मैं अभी चूँकि एसपी ऑफिस था, आपके द्वारा ही मुझे ये बताया जा रहा है। मैं अभी देखता हूँ, जहाँ आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में, तो मैं अभी हॉस्पिटल जाकर देखता हूँ क्या मामला, उसके बाद जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर जहाँ से उसको भेजा गया तो मैं उसकी भी जाँच करूँगा, देखूँगा कि किसके द्वारा उसको ऐसा कहा गया। मैं सुनूंगा, यहाँ जितने साहब होंगे वो सुनेंगे, वो नहीं है, मैं हूँ। दो दो डीएसपी हम यहाँ सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे?